खुश रहो, भगवान तुम दोनों भाइयों को सदा इसी तरह साथ रखे। दरअसल एक न्यूज कंफर्म करने आए हैं, सारे शहर में चर्चा है कि आपने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर उन्हीं की सगी बहन से दूसरी शादी कर ली। ये न्यूज आपको कहाँ से मिली? आपके घर से ही फोन आया था हमारे पास। कौन था? सलोनी से। मैं मानती हूँ ब्रजेश को पाला है, लेकिन उसके लिए आपको इस घर में सम्मान मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचने लग जाए कि आप इस घर की मालकिन। आपको इस मामले में चुप रहना चाहिए, क्योंकि घर की नौकरानियों को घर के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं होता। जिस किसी को जिससे भी प्रॉब्लम हो वो आपस में बात नहीं करेंगे, खास करके नार और सलोनी उर्वशी जी और तारा से बात नहीं करेंगे, उनसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बेहतर होगा कि एक दूसरे की जिंदगी में दखल दिए बगैर हम सब अपनी अपनी दुनिया में जिए। नील ने नहीं बेचा, सलोनी बेटा है घर, शुभ्रा ने बेचा। लेकिन शुभ्रा ऐसे कैसे कर सकती है? ये तो बच्चे के भविष्य का सोचकर ये घर नील ने उसके नाम कर दिया था। जब तक बच्चा बालिग नहीं होगा इस घर की मालकिन शुभ्रा ही है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें कुछ नहीं बताया, क्यों नील? एक बार तो बात की होती तुमने। अच्छा हुआ सलोनी की ठोकर लग गई। दुनिया की जिंदगी की सच्चाइयों से तो वाकिफ हो गया मैं, वरना जिंदगी का असली चेहरा कभी देख नहीं पाता। शुभ्रा का ऐसा मन हो, उसी ने मुझे सिखा दिया आज की पैसों के आगे रिश्ते प्यार भरोसा जैसे शब्द बेमानी है। अब इसके बाद शायद लोगों को अच्छी तरह पहचान पाओगे। बताया नहीं आपको जल्दी जाना है, अभी लेकर आए। कोई बात नहीं, मैं खुद जाके बिल खा लूंगा। अरे कहा ना, अभी लाती हूँ। वो नाहर के लिए नाश्ता। ओहो सुनी जी, हम ब्रजेश जी के लिए नाश्ता बना रहे हैं, आप जरा वेट कर लीजिए ना प्लीज। सलोनी और कितना टाइम रहेगा, मुझे देर हो रही है। सलोनी नाहर, थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। लेकिन क्यों? अरे मुझे ऑफिस पहुंचना है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। अब रहने दो। अरे सलोनी जी, आपने हमें बताया नहीं कि नाहर बन्ना को जल्दी जाना है। I'm sorry, हम तो ब्रजेश जी के लिए नाश्ता बना रहे थे, वरना हम किचन छोड़ देते।
रात भर सो नहीं पाई मैं। बार बार नील कंवर साह का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। आप सबका भी दुख समझ सकती हूँ। पता नहीं नील कंवर साह कैसे होंगे, कहाँ होंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं कि शुभ्रा उसी इंसान के साथ ऐसा कर सकती है जिसने उसे ना सिर्फ एक नई जिंदगी दी बल्कि हमारे परिवार को बदनामी से बचाया। कितना बड़ा त्याग। लाड़ प्यार ने शुभ्रा को इतना जिद्दी जरूर बना दिया था लेकिन इतना ना मतलब उसका। आज मेरी बेटी ने मेरी ममता को गाली दी। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। दोष माँ बाप का नहीं होता मम्मी जी। माँ बाप तो बच्चों को एक जैसे संस्कार देते हैं। आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं। अब आप सलोनी जी को ही देख लीजिए। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे शुभ्रा पर कि अगर सामने आ जाए तो शायद अपने हाथों से ही मैं उसका गला घोट दूंगा। मुझे तो गुस्सा नहीं तरस आ रहा है शुभ्रा। नील कंवर साह को अनदेखा करके करण पे भरोसा कर बैठे। मेरा तो दिल कह रहा है मम्मी जी कि वो करण शुभ्रा को फिर से धोखा दे और वो खोटे सिक्के की तरह वापस घर आ जाएगी। नहीं कावेरी, अब शुभ्रा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। हमारा कोई रिश्ता नहीं शुभ्रा से। 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 तारा आज तो बहुत कुछ बना डाला तुमने। रात के खाने की तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर दी आपने। मैं आ ही रही थी। सलोनी जी आज के डिनर की तैयारी तो सब हो चुकी है। अब आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। अरे तार करेले में खटाई डाल दी थी ना। गुड। करेला? नाहर को करेला पसंद नहीं है। ओह माय गॉड, सो सॉरी सलोनी जी। प्लीज डोंट माइंड। लेकिन क्या है ना कि जब सब लोगों के लिए खाना बनाना हो तो हर एक की पसंद नापसंद का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पर खैर कोई बात नहीं, आपको अगर नहार बनना के लिए उनकी फेवरेट डिश बनानी है तो बस 2 मिनट रुक जाइए, दाल में छौंका लगाना बाकी है। सलोनी बहुत भूख लगी है, खाना तैयार हुआ या नहीं? सलोनी जी। आज कोई भी काम ठीक नहीं हुआ, भूख से जान निकली जा रही है। क्या बनाया खाने में? खाना बन गया है लेकिन देवर साहब सॉरी नहार बनना। दरअसल आज खाना हमने बनाया है और हमें तो आपकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं है तो इत्तेफाक से आज खाना वही बना जो आपको पसंद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, सलोनी जी आपके लिए खाना बना देंगी, तब तक हम कुछ नाश्ता भेज देते हैं आपको। रुक जाइए, हमदर्दी के इस दिखावे को रहने दीजिए। मैं आज इसी वक्त ही हमेशा के लिए सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना चाहता हूँ। भाई साहब, नहार आप क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्या हो गया है नहार, क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो तुम? अब क्या नया तमाशा कर रहे हो तुम? ये आपके लिए तमाशा होगा भाई साहब, लेकिन मैं हर पल छोटी छोटी बातों के लिए सलोनी को भाभी सा और जीजी से बेइज्जत होते नहीं देख सकता। जरा जरा सी बातों के लिए सलोनी को कितना परेशान किया जा रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। नार छोड़िए ना। पानी सर से ऊपर जा चुका भाई साहब। सलोनी सह लेगी, सलोनी सह रही है, लेकिन मैं नहीं सहूंगा भाई साहब। हुआ क्या? जीजी सा और भाभी सा सलोनी को किचन में जाने ही नहीं दे रहे। मैं सुबह भी बिना नाश्ता किए गया था और अभी सॉरी नार बनना, डोंट माइंड, लेकिन हमने सलोनी जी को बिल्कुल नहीं रोका बल्कि हमने और तारा ने मिलकर आज पूरे घर के लिए डिनर बनाया। अब
अगर सलोनी जी आपको हमारे हाथ का खाना खाने से रोक रही हैं तो मैं क्यों रोकूंगी जीजी? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आपने जो चीजें बनाई हैं वो नाहर को पसंद नहीं। हद होती है नाहर, अब तुम किचन के काम में भी इंटरफेयर करने लगे और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं काम धाम छोड़कर तुम्हारी तरह इस ओछेपन पर उतर आऊं? अब मुझे चूल्हे चौके की बातों में भी जवाब तलब करना पड़ेगा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नार? कभी कभार तो समझ में आता है लेकिन हर बात पर शिकायत करना लगता है तुम दोनों की आदत बनती जा रही है। प्लीज तुम दोनों से मेरी विनती है, मुझ पर रहम करो। साथ में रहना मजबूरी सही लेकिन जितने दिन मैं जिंदा हूं ना मुझे सुकून से जीने दो। प्लीज ठीक है भाई साहब, अगर मैं और सलोनी आपका सुकून छीन रहे तो अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक साथ बैठकर खाना खाना तो छोड़ ही चुके हैं, अब हमें किचन भी अलग कर लेते हैं। आज से हमारे किचन अलग हो गए। आज से हमारे चूहे अलग चले। इतनी बड़ी बात मत बोलना हर। चूल्हे का बंटवारा, जब दिलों के बीच ही दीवार खड़ी हो गई हो भाभी, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। साथ में रहना मजबूरी है, वो तो शुक्र है पापा ने अपनी वसीयत में चूल्हे अलग करने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी। सब अब चैन से जी तो सकेंगे। ब्रजेश, समझाओ उसे। पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है इस घर में भावो, अगर नाहर को लगता है कि उन सारी प्रॉब्लम्स का हल यही है फिर मुझे भी मंजूर है। भाई साहब प्लीज, आप तो ऐसा मत कहिए, एक ही घर में दो चूल्हे जलेंगे? नहीं सर, एक ही रास्ता बचा है। क्या तुम चाहते हो कि हम भिखारियों के तरह किचन के दरवाजे के बाहर खड़े कि कब उनका काम खत्म हो और फिर हम अपना खाना बनाएं? देख लिया तारा, हमने कहा था हमें किचन में इन्वॉल्व मत करो, जब ये लोग हमें पसंद ही नहीं करते तो अब देख लिया नतीजा। तारा हमने ऐसा क्या कर दिया कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया? कोई बात नहीं उर्वशी जी, अगर नाहर को इस फैसले से खुशी मिलती है तो यही सही। वो चलिए हमारे साथ। भाबो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी ना, उन्हें अपने इस खेल में शामिल मत करो। इस घर की और किचन की मालकिन है भाबो और वही रहेंगी। मालकिन नहीं, मैं मां हूं ब्रजेश। मैं चाहती हूं मेरे बच्चे प्यार से आपस में साथ रहे। ये तो शायद मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो इस उम्र में ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम दोनों में मैंने बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं किया, आज तक उसी का साथ दिया जो सही है। और शायद तुम बुरा मानोगे ब्रजेश, लेकिन आज तुम गलत हो। अपने बच्चों में फर्क करना आपने कब से सीखा है बाबू? ये जान लेना चाहिए था कि आप नाहर का ही साथ देंगे, दूध का रिश्ता जो है उससे।
खमागनी कवर्स। खमागनी कावेरी जी। भाई आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ तैयार है। बताइए। बड़े दुख वाली खबर है कावेरी जी। क्या है कि इतना हंसता खेलता घर था, न जाने किसकी नजर लग गई। भाई बंटवारे तक तो बात फिर भी समझ में आती थी, लेकिन अब तो चूल्हे भी अलग हो गए हैं ब्रिजेश भाई साहब और नहर बना के। क्या बात कर रहे हैं? बड़े विश्वास वाला चैनल हूँ कावेरी जी। आज तक आपको कोई झूठी खबर दी है इस चैनल ने? कावेरी जी, एक और बात कहनी थी आपसे। वो क्या है कि मेरी जो नजर है ना वो दरवाजे पे ही अटकी हुई है। अब पैसे पहुंचे नहीं आपके, क्या है कि जरा तंगी थी। अगर 50,000 तक मिल जाते तो एडजस्ट कर लेता फिलहाल में। 50,000? कवर साहब जरा हैसियत देके मुंह खोलिए अपना। अरे कावेरी जी अपनी हैसियत थोड़ी, आप तक जो खबर पहुंचा रहा हूँ उसकी हैसियत देख रहा हूँ मैं तो। आपके पास जल्दी ही 25,000 रुपए पहुंच जाएंगे। इससे आगे मैं बहस नहीं करूंगी आपसे। मैं आपको 25,000 रुपए दे रही हूँ, वरना इन खबरों के आपको 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे बाहर। मंजूर है तो ठीक है, वरना आज से हमारी ये सौदेबाजी बंद। नहीं नहीं कावेरी जी, कैसी बातें कर रही हैं? अजी बिल्कुल मंजूर है। अच्छा मैं रखता हूँ। बेचारी सलोनी दी, ना जाने भगवान कितने और जुल्म ढाएंगे उन पर। शगुन के लिए इस चूल्हे पर खीर पका ले। खीर तो खुशियों के स्वागत के लिए बनाई जाती है। इस घर में अलग चूल्हे होने पर सलोनी, ये रीत है जो घर में नया चूल्हा जलने पर मनाई जाती है। मौका चाहे जो भी हो, हमें शगुन तो निभाने पड़ेंगे ना। अपना काम बंद नहीं किया तो आप बहुत कुछ खो देंगे। सलोनी फिलहाल तो इस काम से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। ओहो, लगता है मुझे करेक्शन करना होगा। फिलहाल तो इस खीर को खाने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। खीर का स्वाद बिल्कुल मेरी माँ की बनाई हुई खीर के जैसा है। रहने दे नाहर, दूध अभी थोड़ा उबल जाने दे, ये अच्छा शगुन है। हाँ अब बंद कर दे, बंद कर दे। बाबू, भाई साहब को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। आज पहली बार यहाँ कुछ बना है, थोड़ी सी उनके लिए ले जाओ। नहीं सलोनी, भाई साहब के लिए खीर ले जाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्यों? वो हमसे बड़े हैं, चूल्हे अलग हुए तो क्या हुआ, रिश्ते तो खत्म नहीं हुए। लेकिन जब रिश्तों में करवाट भरी हो तो खीर की मिठास भी किसी काम नहीं आती। कोई जरूरत नहीं भाई साहब के लिए।
ये लो किचन का सामान, नाहर कभी पहले लाया था, रख लो। रहने दीजिए भाभी साहब, हम दूसरा क्यों रख ले? बात अगर खरीदने की है तो हम भी खरीद सकते हैं। हम ये इसलिए रख ले ताकि कल उठकर तुम लोगों को ये बताओ खाली हाथ में किचन से बाहर निकाल दिया। मेहरबानी होगी, रख लो अपना सामान।